एवरीवन, आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस खत्म कर देंगे। हम तीन पार्ट पढ़ेंगे आज, तीन पार्ट पे मोस्टली फोकस होगा। पहला रेंज वाला पार्ट, दूसरा कॉमन रूट वाला, और तीसरा क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट वैसा वाला। ठीक है, सो सबसे पहला रेंज वाली चीज करते हैं। रेंज तो ऑब्वियसली ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, वो कैलकुलस में और अच्छे से आता है। कैलकुलस में वापस हम रिपीट करेंगे ये चीज, बट स्टिल अभी देखना इज इम्पोर्टेंट। रेंज अगर सबको नाम याद होगा तो रेंज का मतलब वाई की वैल्यूज, मतलब आपको याद होगा मैंने लिखाया होगा वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसका ग्राफ बनाते थे तो दो तरह का ग्राफ बनता था, इधर ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड। दोनों केस में पॉइंट्स क्या होते थे, तो अगर मेरा ए पॉजिटिव होता था तो ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ होता था फॉर ए ग्रेटर देन जीरो। तो y की सबसे लीस्ट वैल्यू होती थी ये माइनस डी बाई फोर है, याद करो ग्राफ वाले उसमें बताया था मैंने। तो इसमें अगर मैं रेंज की बात करूं, a ग्रेटर देन जीरो के लिए रेंज होगा माइनस डी बाई फोर ए से इंफिनिटी। यस एग्जैक्टली, माइनस डी बाई फोर ए से इंफिनिटी। क्यों? लीस्ट वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू इंफिनिटी। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, a लेस देन जीरो होता तो उस केस में रेंज क्या निकलती, कोई बोलेगा? यस, माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए। तो ये सबको याद होगा, एग्री? तो इसमें तो किसी को कोई इशू ही नहीं हुआ, क्योंकि ये सीधे सीधे तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो फिर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं दे लेता, निकाल लेता अगर रेंज पूछी जाती। लेकिन इतना सिंपल तो हर बार पूछा नहीं जाएगा। अच्छा, ये मुझको ये बताओ, दो वैल्यूज बढ़ रही है तो उनका एडिशन बढ़ेगा? यस बढ़ेगा। दो वैल्यूज अगर कम हो रही है तो उनका एडिशन कम होगा, लेकिन अगर दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनका एडिशन आई कैन नॉट से कि बढ़ेगा कि कम होगा। सेम चीज वही होती है, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है और दोनों बढ़ रही हैं, तब भी ऐसा हो सकता है कि फाइनल वैल्यू बढ़ रही हो या कम हो रही हो। तो अगर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इफ यू आर गिवन डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब तो तुम रेंज निकाल सकते हो। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया गया है, तुम्हें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है वो ईदर ऑफ दीज टू फॉर्म्स, either of these three form दिया, मतलब अब मेरी heading होती है आज की class की जो important part है, range of quadratic by quadratic दिया हो या फिर linear by quadratic दिया हो या फिर quadratic by linear दिया हो। देखो हर केस में quadratic 100% आ रहा है। क्यों? What chapter we are studying? Quadratic equation. तो यहां में जो range पूछी गई है वो either of these three forms को की range निकालने का एक ही method होता है, और वो method हम बताएंगे, उसके ऊपर हम तीन question करेंगे, then we will move to the next theory. ठीक है? We will do three question based on this.
कुछ लोग इसको मैक्सिमा मिनिमा वो डिफरेंशियल इक्वेशन, वही तो बोला ना मैं, इसको मैं कैलकुलस के तरह से भी कर सकता था, बट वो बहुत आगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तब। अभी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से, क्वाड्रेटिक वाले मेथड से करेंगे। आई एम नॉट गोइंग इन टू डिफरेंशिएशन इन दिस पार्ट, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ वाई वेयर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन x belongs to all real number, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन मेरा दिस पार्ट का है? एवरीवन राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड जस्ट टेल मी, क्या ये क्वेश्चन मेरा इस थ्योरी का है? यस, थ्योरी का तो है। Of the form quadratic by quadratic, quadratic by linear भी होता, linear by quadratic भी होता, तब भी steps हम वही करते जो अभी हम step बता रहे हैं, ठीक है? अब देखो कैसे करेंगे मैं। I am telling you how to do it. Question hopefully सब लोगों ने लिख लिया होगा। इस question को ऐसे रीअरेंज करके ऐसे भी लिखा जा सकता था, फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन ये भी आ सकता था, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू का सिंबल आप सबको पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, ध्यान रखना सेम स्टेप है, फॉलो, बहुत इंपॉर्टेंट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। मेरी राइटिंग सबको समझ में आती है ना, क्योंकि मैं बहुत गंदा लिखता हूँ, बट स्टिल क्या होता है ना कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने में, ये सब करने में, मतलब मेरा माइंड बोलने में ज्यादा होता है। आई डोंट फोकस ऑन माई राइटिंग, ठीक है। नहीं तो अगर राइटिंग में फोकस करूंगा तो बहुत आराम आराम से करूंगा, तो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। ओके ग्रेट, हाँ चलो थैंक यू। काफी लोग बोल रहे हैं अच्छी राइटिंग है, ठीक है ठीक है। यस, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है। माय फर्स्ट स्टेप इज, क्या लग रहा है फर्स्ट स्टेप देख के? अगर किसी ने बोला इसको सॉल्व करो, तुम्हें फर्स्ट स्टेप क्या लगता है? टेल मी व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप। यस गुड अक्षय, बाकी और कोई? अक्षय ने करेक्ट आंसर दिया। अभी फर्स्ट स्टेप देख के क्या लगता है? क्रॉस मल्टीप्लाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। टेक एवरीथिंग टू वन साइड, सबको एक साथ ले जाओ, वाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, y x प्लस एक्स, दिस इज माई, वॉट इज दिस? दिस इज माई क्वाड्रेटिक इन, दिस इज माई क्वाड्रेटिक इन, बोलो ये मैंने किस में क्वाड्रेटिक बना दी है? x में क्वाड्रेटिक बना दी है, ठीक है। x में क्वाड्रेटिक है, सबको ये समझ में आता है, दिस इज माय क्वाड्रेटिक इन x, क्यों? x स्क्वायर, और ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इन x होगी, क्यों? क्योंकि मेरा जो फॉर्म है हर बार वो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में भी क्वाड्रेटिक x में है,
क्वाड्रेटिक बाय लीनियर में भी क्वाड्रेटिक एक्स में है, तो कभी भी करोगे ये एक्स में क्वाड्रेटिक होगी। अच्छा, मेरे क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी, कैन एनीवन टेल मी क्वेश्चन में एक्स को लेके एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी? एक्स इज रियल, यानी एक क्वाड्रेटिक का एक्स रियल है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स रियल कब होता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रियल वैल्यूज कब देती है? बोलो, जब उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। तो बेसिकली मेरा d वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किस क्वाड्रेटिक का? इस क्वाड्रेटिक का। तो इस क्वाड्रेटिक का मेरा a b c क्या है? मेरा a है y माइनस वन, b है y प्लस वन एंड c है y माइनस वन। तो मेरे इस क्वाड्रेटिक का बी स्क्वायर यानी वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी शुड बी एम आई राइट? सही लिखा है मैंने? इसको ओपन करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, थ्री वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओपन करके मैं सबको लिख दे रहा हूं। अच्छा, इस निगेटिव को मैं एडजस्ट कर सकता हूं? क्योंकि ये तो अब इनइक्वालिटी हो गई। हाउ डू यू सॉल्व इनइक्वालिटीज? यू ट्राई टू सॉल्व इट वेवी कर्व। वेवी कर्व, वेवी कर्व बनाने के लिए मुझे इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन सबको पता होगा, मैं वो फैक्टराइज नहीं करके दिखा रहा हूं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मेरा वेवी कर्व हुआ। दो पॉइंट मिले, कौन से? थ्री एंड वन बाई थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। विच पोर्शन डू आई नीड? नेगेटिव पोर्शन, तो मेरा वाई बिलोंग्स टू वन बाई थ्री से थ्री। एम आई राइट? मुझे वाई की वैल्यूज पता चल गई और वाई की ही वैल्यू तो मेरी रेंज होती है। Do you know this? ये समझ में आया सबको? Everyone, write it down. फिर इसके ऊपर हम दो क्वेश्चन करेंगे, then we will move to the next part. लिख लो सब लोग। सीधे सीधे मैंने d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लिया है और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, यानी इसका मतलब इनइक्वालिटीज आ गई। इनइक्वालिटी हमेशा कैसे सॉल्व होती है? वेवी कर्व से। वेवी कर्व से मैंने वाई की रेंज निकाल ली। लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन।
रेंज निकालनी है, नो प्रॉब्लम प्राजक्ता, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल अपॉन वेयर x बिलोंग्स टू एवरीवन। हाँ जिंक क्या है, आई विल डू दैट। मुझे रात में somebody remind me by tonight I will share a theory of equation homework, क्योंकि काफी लोगों का कवर अप में मैंने शायद नहीं शेयर किया है। Everyone, my next question is this. करो, 5 मिनट है। स्टेप वही होगा, माय फर्स्ट स्टेप रिमेन्स द सेम। व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? क्रॉस मल्टीप्लाई। टेक एवरीथिंग टू वन साइड। मैं एक एक स्टेप उड़ा के लिख दे रहा हूं, मतलब नाउ व्हाट वी कैन से, तो इसके डी क्या है, ये इसका बी है, ये इसके ए एंड सी है। अच्छा, गुड, करेक्ट आंसर है। एवरीवन, यू हैव टू सॉल्व दिस। यस तोहिन, करेक्ट है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था। यस शवन, सिली मिस्टेक। असीम, सिली मिस्टेक। रेस्ट एवरीवन करेक्ट। जो कि स्प्लिट हो सकता है 7y-1y-7। ऑब्वियसली ब्रेक करना मैं नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ब्रेक करना आप लोगों को आना चाहिए। अगेन वेवी कर्व, 1/7, 7 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई नीड
नेगेटिव पोर्शन, तो आंसर इज 1/7 से। यस गुड। एम आई क्लियर गाइज? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है? ग्रेट, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबको एक साथ ले जाओ, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, और वो एक वेबिकर इनइक्वालिटी बनेगी। दैट्स वेबिकर इनइक्वालिटी पे तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं, मतलब बचपन से लेके आज तक हम वेबिकर इनइक्वालिटी कर रहे हैं लगता है। ठीक है, ठीक है। टू मोर क्वेश्चन, लेट्स डू टू मोर क्वेश्चन ऑन दिस, चलेगा? हाँ सर, दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर वी डोंट डू दैट। क्वेश्चन अगेन, फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 होल अपॉन 2 टाइम्स x माइनस 3। x बिलोंग्स टू करो, 5 मिनट है, मैं पानी लेके आता हूं। देखें किसी का आंसर आया, अभी तक आया नहीं किसी का। आदित्य, आदित्य का होकर आंसर देने देना, जल्दी देना। ऋषि, लेट मी दे, जिनका जिनका जिन्होंने कभी भी आंसर बहुत कम देते हैं, स्वरा आंसर दिया करो बेटा, श्रेयस तुमसे भी एक्सपेक्टेड है, राधिका, ओम आंसर नहीं दे रहे हो, दो ट्राई करो, जन्मेश समझ में आ रहा है बेटा? जन्मेश कहीं कुछ इशू है तो मुझको बताओ। अक्षय करेक्ट है, प्लेसिडो आंसर दो,
स्टेप सारे के सारे वही रहेंगे, कोई भी स्टेप चेंज नहीं होगा। मैं पहले स्टेप में इसको y इक्वल टू ले लेता हूं। सही है आदित्य, अक्षय, ऋतुजा, तुहिन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 2x माइनस सिक्स है तो 2xy माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। सब इधर एक्स स्क्वायर है तो मैं सबको साइड भेज देता हूँ, जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस टू वाई। प्लस सिक्स वाई माइनस 11, सही लिखा है? गुड श्रुति। इतना लिखने के बाद मैं क्या कर दूंगा, मैं सीधे सीधे d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दूंगा, वही जो बहुत पहले से करते हैं। इसका d b स्क्वायर 2 माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 6 वाई माइनस 11, और a तो इसका 1 ही है, इसका 1 ही है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओपन किया तो शायद 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8y माइनस 24y प्लस 44 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जिसको रीअरेंज करके लिखा तो 4y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 48 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पूरे इसमें मैं 4 कैंसल आउट कर सकता हूं क्योंकि 4 इज द कॉमन थिंग, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अपूर्वा सब कुछ सही है बट लास्ट स्टेप तुमने गलत लिख दिया है। करण, करण देखो तुमने वेवी का इनइक्वालिटी वाला लेक्चर शायद नहीं किया है, तो एक बार गो थ्रो करो मेरे रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे, अलग से मुझको मैसेज करो। तो ये फैक्टराइज हो सकता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, y माइनस सिक्स y माइनस टू से फैक्टराइज होगा। और ये फिर वही वेवी कर्व 2 6 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन अब इस केस में मुझको क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए था, तो माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी। ठीक है, एवरीवन, सो दिस वाज द ओवरऑल क्वेश्चन, क्लियर है? एक और क्वेश्चन इसका करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 3 चीजें यूज हो रही हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, D greater than equal to 0, discriminant, क्योंकि D greater than equal to 0 होता है quadratic equation को, और तीसरा वेवी कर inequality। Last question of this type. विनीत वो एक बार वो revise कर लो मेरी मेरे यही वाले लेक्चर, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। चलो करो,
करो, इसको करो, सेम सेम चीज है, रेंज निकालनी है। आंसर निकालो, मुझे फाइनल आंसर चाहिए सबसे। अजिंक्य क्या थोड़ा सा और सही से करना। सब कुछ सॉल्व किया होगा सही से। एवरीवन आंसर दो। कुछ लोगों के गलत आ रहे हैं।
देखता हूँ मैं। सब लोग अभी कंफ्यूज हैं, किसी ने मुझको सही आंसर नहीं दिया है। आंसर है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। कैसे? ऑब्वियसली ओपन करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई माइनस एक्स वन प्लस थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब क्या करते थे, वही अपना डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वन प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस फोर माइनस फोर माइनस टू वन माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां तक भी सब लोगों ने कर लिया होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब लोगों ने यहां तक कर लिया होगा। इसको ओपन करके नाइन वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा होगा। किसका किसका ये आ गया था? रेज योर हैंड। ठीक है, यहाँ ग्रेट, लेकिन इतने लोगों का यहां तक आ गया, इसके बाद अगर आंसर नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं तुमने वेविकर इनइक्वालिटी भूल चुके हो। अब इसका हम रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका रूट तो मिलता ही नहीं है ना, क्यों? इसका डी निगेटिव है, इसका डी निगेटिव है, तो इसका वेविकर पे कोई भी रूट नहीं निकलेगा। तो दो तरह से मैंने बताया था, अगर कर्व शुरू होता है तो ऊपर से ऊपर ही निकल जाता है, या फिर पूरा का पूरा नंबर लाइन ही पॉजिटिव होती है, और मुझको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तो पॉजिटिव पोर्शन चाहिए, इसका मतलब
y belongs to minus infinity to infinity. बहुत अच्छे से मैंने बताया था, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी किए थे बेबी कर इनइक्वालिटी में. एम आई करेक्ट? नहीं है तो रिवाइज कर लो. ठीक है, अजिंक्य बेटा ये बिल्कुल वेवी कर्व इनइक्वालिटी में मैंने थ्योरी बताया था कि जब भी जिसका डी निगेटिव होता है तो उसके कोई रूट्स नहीं मिलते, जब रूट्स नहीं मिलेंगे तो मेरी नंबर लाइन पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, तो वेवी कर्व मेरा पूरा का पूरा ऊपर से निकलेगा. ठीक है, याद होना चाहिए. एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, अब इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें सब अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये सेम चीज मैंने रिवाइज करने को बोला था जब मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ाया था, उस वक्त भी मैंने बोला था कि कम आफ्टर रिवाइजिंग वेवी कर्व इनइक्वालिटी. ठीक है, एवरीवन यहां तक क्लियर हो गया? ग्रेट. ठीक है, अगर हमको निगेटिव पोर्शन चाहिए होता तो मेरा आंसर सेट होता नल सेट. चलो अब आते हैं, ये चीज हो गया कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स. कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, मतलब यहां पे तुम्हें दो इक्वेशन दी होंगी, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होंगी और आई हैव टू राइट द कंडीशन कि उनके बीच एक कॉमन रूट हो. अगर दो कॉमन रूट हो गए तो वो एक ही टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाता था, याद करो. बट यहाँ पे एक कॉमन रूट होना चाहिए, मतलब ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो मेरी जो कंडीशन फॉर कॉमन रूट आती थी, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं कैसे निकलता था, पहले स्टेप बता दे रहा हूं. लेट द कॉमन रूट बी अल्फा. लेट द कॉमन रूट बी अल्फा. ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एज वेल एज ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर की वैल्यूज निकल सकती है, वो मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मतलब कैसे, एक बार इसको ए टू से और इसको ए वन से मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, एक बार इसको बी टू से और बी वन से मल्टीप्लाई करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो अब अल्फा और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, तो मैं सीधे सीधे वैल्यू लिख दे रहा हूं. अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो निकलती है वो निकलती है b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1, और जो अल्फा की वैल्यू मिलती है वो मिलती है a1 c2 minus a2 c1 whole upon a2 b1 minus a1 b2.
है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर वुड बी इक्वल टू दिस। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा एलिमिनेट करके जो कंडीशन आती है, जो तुमको याद नहीं रखनी है, बस बुक में लिखी होती है तो मैं लिखवा दे रहा हूं, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लो। क्यों? क्योंकि इस तरह से तुम नहीं याद रखोगे, तुम उसका जो मेथड है सॉल्विंग वाला वो याद रखोगे। यू विल बी रिमेंबरिंग द मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, नॉट दिस होल स्टेप। तो अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेट्स डू अ क्वेश्चन। इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो असीम, बाद में लिखना आप रिकॉर्डिंग देख के। नाउ डू दिस क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। सेम मेथड, सबसे पहले लेट द रूट बी अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू जीरो, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू जीरो। यस, आंसर इज माइनस वन। मैं सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं ना, क्योंकि बहुत सिंपल है। तो ए अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस बी माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो अल्फा ए माइनस बी इज इक्वल टू, दूसरी साइड देखा तो ए माइनस बी, तो अल्फा मेरा वन मिल गया, अल्फा मेरा वन मिल गया। अब अल्फा वन मिल गया, तो अब देखना है कि क्या यूज करें। मैं अल्फा, अल्फा इज अ रूट ना, तो मैं अल्फा को अपने
इक्वेशन में पुट कर दूं, अपनी पहली वाली इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, तो 1 प्लस बी प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू माइनस वन आ गई, दैट्स इट। तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेथड? ठीक है, आगे करें। तो कॉमन रूट वाली बहुत सिंपल से आते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है, यही मेथड। कॉमन रूट को काफी बार ऐसा बोल देते हैं कि इफ वन रूट इज डबल द अदर, तो एक में अल्फा मानोगे एक में टू अल्फा मान लोगे, इफ वन रूट इज ट्रिपल द अदर तो उसको सॉल्व करके अल्फा निकाल के फिर सॉल्व करना होता है। तो इसी तरह अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कॉमन रूट वाले, मेथड उसका इंपॉर्टेंट है रादर देन द फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं अपनी लास्ट थ्योरी पे। कौन सी लास्ट थ्योरी? जिसको सिमेट्रिक रिलेशन बिटवीन रूट्स बोलते हैं। ax square plus bx plus c equal to 0, और मैंने यहां पे लिख दिया ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0। इसके कितने रूट्स होंगे? अल्फा बीटा। इसके कितने रूट्स होंगे? अल्फा बीटा गामा। यहां पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। अब देखो दो दो का प्रोडक्ट, यहां पहले सिंगल सिंगल था तो दो दो का, अब दो का होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, या गामा अल्फा भी लिख सकते हैं, चलो अगर सिमेट्री लिखनी है तुमको। क्या होगा? सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा क्या होगा? अल्फा बीटा गामा क्या होगा? देखो पहला माइनस बी बाई ए, फिर सी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो इस तरह से वैल्यूज रिपीट करती हैं। ये तीन के लिए है, 10 क्यूबिक की जगह पावर 4 होता तब भी ऐसा होता, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, ई बाई ए, माइनस एफ बाई ए, ऐसे चलता चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले उसमें सिंगल्स का सम आएगा, दूसरे उसमें डबल का सम आएगा, तीसरे उसमें ट्रिपल का सम आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन दो। फाइंड पहले फॉर 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालो।
ये हमारा पूरा का पूरा पोर्शन रिपीट है, बट जो पहले हम करते थे अल्फा बीटा के लिए, अब हम अल्फा बीटा गामा के लिए कर रहे हैं। तो जो जितने पिछले अपने क्वेश्चंस किए थे वैसे ही हम तीन क्वेश्चंस करेंगे, जैसा हमने पहले किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, रिपीट रिपीट क्वेश्चंस टाइप। तो वो होपफुली वो थ्योरी सबको याद होगी। आई गेस पहले तीन लाने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई होगी। -3/2, 5/2, -3, एम आई राइट? इसका अगर मैंने एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, विच इज लाइक दोनों वैल्यूज मुझे पता है, 5/2 अपॉन -3, तो -5/6। और इसके बारे में मैंने बोला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीन तीन के स्क्वायर को ओपन करके देख लोगे तो ये दिख जाएगा तुमको, अगर कंफ्यूजन है किसी को। 9/4 -2, 5/2, तो आंसर शायद आता है -11/4। Am I correct? Yes. Okay. Yes, Shivraj. अब इसी में दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स -5 = 0, तो तुम्हारा पहला तुम्हें जो फाइंड करना है वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा करना है पहला। सेकेंड, 1 - अल्फा इंटू 1 - बीटा इंटू 1 - गामा करना है। और तीसरा, 2 - अल्फा 2 - बीटा 2 - गामा करना।
इसके बाद एक और क्वेश्चन हम और करेंगे, देन वी विल एंड द क्लास। तो गाइस अच्छे से सोचो। आंसर देखें, पहले वाले का तो आंसर सबका आ गया होगा। द आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज वन बाई फाइव। अगर दो स्टेप प्रोसेस देख लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा। न्यूमरेटर में शायद न्यूमरेटर में क्या आता है, न्यूमरेटर में आता है वन और डिनोमिनेटर में आता है फाइव। यस हाँ श्याम, सेकेंड वाले का सही है। सेकेंड वाले का आंसर है माइनस सिक्स। अगर किसी को नहीं पता तो कैसे करते हैं तो मैं बता दूं, ये अपना नोन फैक्ट है ना। अगर अल्फा बीटा रूट्स होते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में फैक्टराइज होती थी, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। क्यों नहीं चल रहा है, अटक गया क्या? ये एग्री करते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी इस ये बनेगी। अब देखो ऐसा मैं क्या एक्स को पुट कर दूं कि जो मुझे निकालना है वो मिल जाए। मैं अगर पुट एक्स इज इक्वल टू वन, अगर मैं एक्स को वन पुट कर दूंगा तो वन माइनस थ्री प्लस वन माइनस फाइव इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। हो गया, इधर बन गया माइनस सिक्स इज इक्वल टू दिस। सीधे सीधे मैंने वन की वन पुट कर दिया। थर्ड पार्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, व्हाट डू आई नीड टू पुट फॉर माय थर्ड पार्ट? टू पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू टू, टू क्यूब माइनस थ्री इंटू फोर प्लस टू माइनस फाइव, टू माइनस अल्फा टू माइनस बीटा, तो शायद आंसर आता है माइनस सेवन।
एम आई क्लियर? ठीक है, दोनों साइड मैंने x को वन पुट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये रूट्स को स्प्लिट करना ये तो बहुत पुराना नोन चीज है। अब आते हैं लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में, इसमें जो अगेन रिपीट क्वेश्चन होगा। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई थ्री बीटा बाई थ्री गामा बाई थ्री। ऐसा याद है, टू डिग्री में भी मतलब क्वाड्रेटिक में भी किया था। तो पहला वाला मैं बता दे रहा हूं, आई विल टेल यू द फर्स्ट वन, देन यू हैव टू डू द सेकेंड वन। बहुत ही सिंपल सा है पहला, तीन क्वेश्चन करेंगे इसमें, वी विल डू थ्री क्वेश्चन ऑफ दिस फॉर्म। पहला क्वाड्रेटिक में हमने क्या किया था, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला था, फिर उसको वापस सॉल्व किया था। दैट वाज अ लॉन्ग मेथड, बट क्वाड्रेटिक के लिए वो शॉर्ट मेथड था। क्यूबिक में करने आएंगे तो बहुत लंबा मेथड होगा, तो क्यूबिक में हम एक शॉर्टर मेथड बता रहा हूं, जो जो कि तुम क्यूबिक में 100% करोगे, यू वोंट गो विद द लॉन्ग मेथड। नाउ माय मेथड इज, ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा किनकी वैल्यूज होती हैं? अल्फा बीटा गामा किनकी वैल्यूज होती हैं? एक्स की वैल्यू होती है, समझ में आता है सबको? यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू अल्फा, लेकिन मुझको एक नया इक्वेशन चाहिए जिसमें दी शुड बी इक्वल टू एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा इज इक्वल टू थ्री एक्स, और अल्फा बीटा गामा इसके रूट है ना, इसका क्या मतलब हुआ, ए अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस डी इक्वल टू जीरो होगा। और अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी, थ्री एक्स, तो कैन आई पुट माय अल्फा बैक इनटू माय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ए अल्फा की वैल्यू 3x का होल क्यूब प्लस बी 3x का होल स्क्वायर प्लस सी 3x प्लस डी इक्वल टू जीरो। सो मेरी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 27 ax क्यूब प्लस 9 bx स्क्वायर प्लस 3 cx प्लस डी, जिसके 100% रूट्स होंगे, इसी के रूट्स होंगे ये अल्फा बाई थ्री बीटा बाई थ्री गामा बाई थ्री। वी कैन डू द सेम मेथड इन क्वाड्रेटिक आल्सो, क्वाड्रेटिक में भी ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक में उस वक्त उतना फोकस में ये मेथड नहीं बताया, क्यों, क्योंकि उसमें ये बहुत ज्यादा स्टेप छोटा नहीं कर रहा है, बट इसमें ये स्टेप्स बहुत छोटा कर देता है। तो क्वाड्रेटिक मेथड वॉज द बेस मेथड, दिस इज अ बेटर मेथड। तो मैं एक दूसरा इसी का सेकेंड पार्ट देता हूं जो तुमको करना है। रूट्स हैं 1/α, 1/β, 1/γ।
यस, तो अगेन सेम मेथड, वन बाय अल्फा इज इक्वल टू एक्स इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू वन बाय एक्स, और मैं वापस अपनी इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा, कैसे पुट कर दूंगा, ए वन बाय एक्स का होल क्यूब प्लस बी वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी वन बाय एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी ए बाय एक्स क्यूब प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। पूरी इक्वेशन को मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बेसिकली एलसीएम ले सकता हूँ, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ये सब हम कर क्यों पा रहे थे? बिकॉज मेरी पूरी की पूरी इक्वेशन अल्फा बीटा गामा में सिमेट्रिकल थी। मैं अगर यहाँ पे 1 बाई अल्फा को x मानने की जगह 1 बाई बीटा को भी x मानता तो क्या कोई फर्क पड़ता? नहीं, सिमेट्री थी ना। तो जब भी मेरे क्वेश्चन में सिमेट्रिकल चेंज होगा, अल्फा बीटा गामा आर बीइंग सिमेट्रिकली चेंज्ड, तो मैं ये मेथड यूज कर सकता हूं। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑब्वियसली इसी का थर्ड पार्ट है। व्हाट इफ माय रूट्स आर चेंज विद, यस तो हिन बिल्कुल करेक्ट है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, मैंने प्लस गलत लिखा है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, माय न्यू रूट्स आर दीज इंस्टेड ऑफ माय ओल्ड रूट्स। अब यहां पे तुम्हें थोड़ा सा बताओ, नहीं नक्षत्र, नहीं अल, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा तुम लोगों को, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं वो लंबा हो जाएगा सर, दिमाग लगाओ एवरीवन।
सोचो क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली मैं अल्फा एंड बीटा यहां पे दो आ गए, लेकिन हमेशा तब मैं कर सकता था वो सारी चीजें जब मुझे अल्फा बीटा की जगह सिर्फ एक के टर्म में आए। तो अल्फा बीटा गामा अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के रूप थे, अल्फा बीटा गामा मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन के रूप थे, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या थी? माइनस डी बाई एन। तो मुझे बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हुई? माइनस डी बाई ए गामा। तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? मेरे जो नए रूट्स बन गए यूजिंग दिस थिंग, मैं माइनस डी बाई ए गामा लिख सकता हूं, माइनस डी बाई ए अल्फा लिख सकता हूं, माइनस डी बाई ए बीटा लिख सकता हूं। कैन आई राइट देम लाइक दिस? अब मेरे जो रूट्स हैं वो हर रूट मेरे सिंगल सिंगल में आ गए, मतलब पहला रूट मेरा सिर्फ गामा में आ गया, दूसरा रूट सिर्फ अल्फा में आ गया, तीसरा रूट सिर्फ बीटा में आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? चलो मैं अगर अल्फा के टर्म्स में ही देखता हूं तो माइनस डी बाई कोई भी एक ले सकते हो अल्फा बीटा गामा में, माइनस डी बाई ए अल्फा इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हुई? माइनस डी बाई ए एक्स। इसको मैं किसमें पुट करूंगा? अपनी ओरिजिनल इक्वेशन ए माइनस डी बाई ए एक्स का होल क्यूब प्लस बी माइनस डी बाई ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस डी बाई ए एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मैं पूरी माइनस डी क्यूब बाई ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी डी अपॉन ए एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। पूरी इक्वेशन को मैं ए स्क्वायर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो माइनस डी क्यूब प्लस बी डी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी ए एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। डी ए स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। तो माय फाइनल आंसर फॉर दिस इज ए स्क्वायर डी एक्स क्यूब माइनस ए सी डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एक्स माइनस डी क्यूब इक्वल टू जीरो। चाहो तो एक डी पूरे डी को उड़ा भी सकते हो, तो That is your wish. थोड़ा सा symmetrical लगेगा। A square x cube minus AC x square plus BD x minus D square equal to D. Am I right? तो दिस इज द मेथड। कुछ भी और सोच रहे हो तो दोज आर रॉन्ग। ठीक है, वी हैव टू डू इट यूजिंग दिस ओनली। मुझे सारे के सारे रूट सिंगल टर्म्स में लाने हैं। ठीक है, वी आर डन विद थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब जो कवर अप हम करेंगे वो सीक्वेंस एंड सीरीज का करेंगे।
सीक्वेंस एंड सीरीज में, बट उसका कवर अप मैं वैसे करवाऊंगा थोड़ा सा स्पीड अप, मतलब एक बार मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि वॉच द रिकॉर्डिंग एंड देन वी विल डू द क्वेश्चंस हेयर, ठीक है? वो कवर अप लेक्चर सीक्वेंस सीरीज का होगा नेक्स्ट, बट थ्योरी ऑफ इक्वेशन वी आर डन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको मैंने बहुत ही प्रॉपरली आराम से करवाया है, जिसमें कोई भी प्रेशर ना लगे। क्लियर? चलो एवरीवन एंजॉय करो, बाय बाय।